छत्तीसगढ़ अविभाजित जिला बिलासपुर की अर्पानिधि आज मृत प्राय हो रही है। इसे पुनर्जीवन देने के लिए मरवाही वनमंडल के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अर्पा के उद्यम के पूर्व कैचमेंट एरिया में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसका प्रभाव वर्षा ऋतु के बाद दिखाई देने वाला है। नरवा योजना के अंतर्गत भू जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इसने योजनाबद्ध तरीके से मरवाही वन मंडल कार्य कर रहा है। 55,000 हेक्टेयर एरिया अर्पा का कैचमेंट एरिया है। इसकी सहायक नदियां जैतारणी एवं फुलवारी नदी कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट किया जा चुका है। पर्वत से बहने वाले जल को ग्रेवियर स्ट्रक्चर बोल्डर जेक डैम एवं नालों पर छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर पानी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से जल संरक्षण से एरिया के आसपास के रहने वाले रहवासियों को ग्रीष्म ऋतु में जल की समस्या से निजात मिलेगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। जो हमारी शासन की नरवा योजना जो यहाँ हमारे यहाँ चल रहा है और उसके अंतर्गत जितने भी भूजल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, इसको बड़े योजनाबद्ध तरीके से वन विभाग काम कर रहा है, जिसमें जो पूरे मरवाही वन मंडल है जिसमें लगभग 54-55 हज़ार हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो अर्पा का कैचमेंट है। तो उसमें से प्रथम चरण में हम जैतरनी और फुलवारी नदी जिसका लगभग 25,000 हेक्टेयर आता है उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके लिए एक विशेष रूप से हमारे यहाँ तकनीकी रूप से सक्षम एक टीम है और ICRG के इंजीनियरों के मार्गदर्शन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया गया है और फ्रंट लाइन स्टाफ को भी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है और DPR के इम्प्लीमेंटेशन में भी ICRG के इंजीनियरों की सहायता ली जा रही है। इसमें रिस्ट वैली कॉन्सेप्ट, मतलब हमको ऐसा ट्रीट करना है कि उस क्षेत्र के जल ग्रहण क्षेत्र से जीरो डिस्चार्ज करना है, मतलब वहाँ जो पानी का बूंद गिरता है उसको बाहर नहीं जाने देना है। अब उसके लिए जितने भी स्ट्रक्चर हैं इंजीनियर्स उसको डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर गेवियन स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ स्टाफ डैम बनेगा, कहाँ कंट्रोल ट्रेंचिंग होगी, कहाँ पर गेवियन स्ट्रक्चर के साथ में ऐसा चीज़ें हैं जो उस जगह के इरोडिबिलिटी है सॉइल की, उसके हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर मैच करेगा। अर्पा नदी के उद्गम से ऊपर के कैचमेंट एरिया में बहने वाली दो ट्रिब्यूटरीज जैतरणी और फुलवारी के कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट बखूबी किया जा चुका है। आसपास की पहाड़ियों की चोटियों से उतरते जल को थामने के लिए गैबियन स्ट्रक्चर, बोल्डर चेक डैम, कंटूर ट्रेंचेज और नालों पर छोटे स्टॉप डैम बनाए गए हैं। ये छोटे स्टॉप डैम अपने किनारे बसे गांव के रहवासियों को निस्तार जल तो उपलब्ध कराएंगे ही, साथ ही साथ प्यासे जंगली जानवरों के लिए भी ग्रीष्म ऋतु में वरदान साबित होंगे। जाहिर है इन गांवों में पेयजल के लिए लगे हैंडपंप का जल स्तर अपने आप सुधर जाएगा। जैतरणी नाले पे इस स्टॉप डैम को बनाने का मुख्य सबसे बड़ा कारण है कि वाटर को रिचार्ज करना था। ये क्षेत्र जैतरणी नाला साल में लगभग 4 महीने बहता था, उसके बाद में 8 महीने सूख जाता था। इस स्टॉप डैम के बना देने से यहाँ पर मतलब 12 महीना पानी की पूर्ति होगी। आसपास दोनों साइड में गांव हैं जिसके जितने भी कृषक हैं वो अपने खेती वेती में यूज़ कर सकते हैं इस पानी को, और इससे वाटर रिचार्ज हो रहा है। जितने भी कुएँ या नलकूप यहाँ पर खुदे हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छा पानी का आ रहा है। टोटल जो है 54,788 हेक्टेयर जो है अर्पा कैचमेंट में आता है। अभी हमने वर्तमान में 2 नालों को हमने ट्रीटमेंट किया है, जिसमें एक जैतरणी नाला है जिसका जो हेक्टेयर है 10,967 हेक्टेयर है, एक फुलवारी नाला है जिसका 14,820 हेक्टेयर है। इसमें टोटल हमने जो अपन वर्क जो प्रपोज किए हैं, अपन ब्रश वुड चेक डैम है, अर्दन गली प्लग है, लूज बोल्डर चेक डैम है, गेवियन स्ट्रक्चर है, कंटूर ट्रंच है, कंटिन्यूस कंटूर ट्रंच है, कंटूर बंड है, स्टाफ डैम है और परकलेशन टैंक है। टोटल ये जो अपन जो वर्क प्रपोज किए हैं वो 4,498 टोटल नंबर है। अभी वर्तमान में यहाँ दोनों जो लैंडस्केप है फुलवारी और जैतरणी में टोटल उसमें परकलेशन टैंक हमने 23 बनाए हैं, स्टाफ डैम टोटल हमने 4 बनाए हैं और 86 जो है गेवियन स्ट्रक्चर बनाए हैं। इससे इसके बनाने से ये है कि जो अपन हमारा जो सॉइल जो इरोजन है, जो सिल्टेशन का जो पहले जो होता रहा वो धीमी हो जाएगा। साथ ही साथ हमने ऐसा प्रयास किए हैं कि जो अपन जो बनाए हैं बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उससे क्या है कि एक वाटर जो रिचार्ज है ग्राउंड लेवल का स्वाभाविक देखने से उसमें अपन समझ में आ रहा है कि जो अभी वर्तमान में जो दिख रहा है पानी जो है इसमें जो वाटर अपन जो स्टोरेज है काफ़ी मात्रा में है
अपन आसपास में अगर देखें यहाँ पे तो जो यहाँ पे जो कुआं हुआ है उसकी जो वाटर लेवल है आज स्वाभाविक रूप से बहुत ऊपर आ गया है। जहाँ जहाँ सैटेलाइट सेंसिंग के माध्यम से फ्रैक्चर स्टेटा पाया गया है वहाँ पर्कुलेशन टैंक बनाया जाकर पानी को सीधे भूगर्भ में पहुँचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र का भूजल स्तर में धनात्मक सुधार आएगा और भूमिगत अरपा नदी सालों साल कल कल बहती रहेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.